नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आप समय इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन का बयान, आरबीआई ने लाभांश के रूप में सरकार को 2,00,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उम्मीद है इस बार सरकार टैक्स में कुछ छूट देगी। नीट पेपर लीक को लेकर लोकसभा में हंगामा, राहुल गांधी बोले लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल, परीक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी, पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली को धोखाधड़ी बताया, बोले लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, नीट मामले में शिक्षा मंत्री जवाब देना नहीं चाहते, यह बहुत जरूरी मुद्दा है, सरकार इस पर बहस नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा। लोकसभा में राहुल गांधी पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कहा पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत, राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे देश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया। नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, पेपर लीक के सबूत नहीं, कुछ सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई। धर्मेंद्र प्रधान बोले, सरकार इस मामले में कुछ नहीं छिपा रही, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। एनटीए को लेकर लोकसभा में बोले धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाई, 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। नीट परीक्षा मुद्दे पर अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री पर सीधा हमला बोला, कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। नीट परीक्षा पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा सभी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत, पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं। बजट सत्र से पहले पीएम ने मीडिया को किया संबोधित, बोले संसद के इस सत्र पर देश की नजर, इस सत्र में सकारात्मक बहस की उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा 60 साल बाद किसी सरकार को तीसरा टर्म मिला, हमारी सरकार ने जो गारंटी दी उसे पूरा करेंगे। मोदी बोले, ये बजट विकसित भारत का सपना पूरा करने की दिशा में कदम होगा, कल मजबूत नींव वाला बजट होगा पेश। पीएम ने कहा, हम 8% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 5 साल का काम देश की दिशा तय करेगी। मोदी बोले, ये सदन दल के लिए नहीं देश के लिए है, अगले 5 साल देश के लिए लड़ना है, कुछ दलों की राजनीतिक नकारात्मक। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत, कहा पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया, 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया गया। विपक्ष के कई मुद्दों की चर्चा की मांग पर बोले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा में सत्र का दिन और समय तय, राज्यसभा में सभापति चर्चा के लिए तैयार।